अनुष्का और विराट के फैंस के लिए खुशखबरी है। लगातार चल रही अटकलों पर लगाम लगाते हुए दोनों ने इटली में शादी रचा ली है। इस कार्यक्रम में दोनों परिवारों से बेहद खास लोग ही शामिल हुए। स्टॉकिंग को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने के लिए क्विंट नियॉन और क्विंट ने शुरू किया है एक कैंपेन जिसका नाम है टॉकिंग स्टॉकिंग। इसमें हमें बहुत सारा समर्थन मिल रहा है आप सभी से। इस पूरे कैंपेन को लेकर जो हमने change.org वेबसाइट पर एक पिटिशन डाला था उसको अब तक हमें लगभग 1,10,000 हस्ताक्षर सिग्नेचर मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे कैंपेन को कितना साथ मिल रहा है आप सभी लोगों का। इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ चुकी है मशहूर जर्नलिस्ट रिचा नेहरू, और अगर आप भी चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो जाइए change.org पे और सिग्नेचर कीजिए। यार सोहिनी, ये बिटकॉइन ये भला क्या है यार? पता है यार, मैंने भी बहुत सुना, बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है बिटकॉइन में, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार ये बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे एक्सपर्ट है अभय कुमार सिंह, आ जाओ भाई। एक्सपर्ट वाली बात तो अलग है, लेकिन आज की मैं सबसे ताजा खबर आपको बता दूं, बिटकॉइन की कीमतों में 21% का इजाफा हुआ है। और कभी ये बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि जैसे सोने की कीमत होती है, सोना एक मेटल है, उसकी कीमत होती है। साथ ही अगर हम डॉलर की बात करें तो अमेरिकी इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। ऐसे में बिटकॉइन की बात करें तो उसकी कोई अपनी कीमत नहीं होती है, वो महज और महज सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शेयर्स ना कह सकते हैं। तो फिर क्या पैसे वैसे इन्वेस्ट करें ना करें भाई, बहुत ही मुश्किल से तनख्वाह आती है मेरी। अगर मुश्किल से तनख्वाह आती है, रिस्क खो रहे हैं आप, रिस्क खोर का समझ रहे हैं मतलब, हाँ हाँ, कि आप घाटा उठाने को तैयार हैं। बेसिकली सट्टेबाज हूँ। सट्टेबाज है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि 1400% इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल में। आप सोचिए कि जब आसमान पर इसके दाम पहुंचे हैं, जब क्रैश होगा तो भाई अपना जेब खुद संभाल लेना। तो आखिर राहुल गांधी बन गए देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। वो बने हैं 19th प्रेसिडेंट और वो यूनानिमसली चुने गए इस पद के लिए। पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर हुई बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। मनमोहन सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हार को देखते हुए बौखला गए हैं, इसलिए बेकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ओछी राजनीति कर रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार आज अपना 95th बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर क्विंट हिंदी ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी। देखिए, दिलीप कुमार जी के साथ सबसे अद्भुत चीज़ यह है कि दिलीप कुमार करीब करीब सारे लोग, जितने भी एक्टर थे, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सब लोग ये खुल के मानते हैं कि वो दिलीप कुमार की नकल करते थे कई कई चीज़ों में। हर कोई दिलीप कुमार बनने के लिए बॉलीवुड में आता है, लेकिन दिलीप कुमार जैसा कोई बन नहीं पाया। मेरा जो मेन इमोशन होता है वो होता है जेलसी का, क्योंकि वो हैं सैरा बानो के हस्बैंड। उसकी जो कहानी है और उसके बाद जो उनकी लव स्टोरी चलती गई है, यू नो 22 इयर्स के गैप के बावजूद जो उनके बीच में जो केमिस्ट्री है, प्यार है, जो आज भी दिखता है, उसको लेके मैं यूसुफ साहब से सबसे ज़्यादा मेरी जेलसी वहाँ है।